यार कुछ सीरियल किलर ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक अपना कोई सुराग पुलिस को नहीं देते, और कुछ सीरियल किलर ऐसे होते हैं जो अपने हर कांड के पीछे कुछ ना कुछ छोड़कर जाते हैं ताकि पुलिस उनके पीछे पीछे घूमती रहे और वो उनको पकड़ भी ना पाए। जबकि कुछ सीरियल किलर ऐसे होते हैं जो सच में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और पुलिस उन्हें शायद ही कभी पकड़ पाए। लेकिन जब मिरांडा बारबरा नाम की इस महिला को गिरफ्तार किया गया, एक्चुअल में इसने एक ट्रॉय लाफेरा नाम के आदमी का कत्ल किया था, और जब इससे पूछा गया कि इसने क्या क्या किया है तो इसने कम से कम 22 लोगों के मर्डर की जो बात थी वो कबूली, और इसने एक ऐसी लाइन बोली जिसे सुनकर आप भी सच में दहल जाएंगे। जी हाँ, इसने कहा कि जब ये 22 के आंकड़े पर पहुंची तो उसके बाद इसने गिनना बंद कर दिया। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये लड़की ऐसे ही कोई एक सीरियल किलर नहीं बनी थी। क्यों बनी थी? इसकी कहानी शुरू होती है इसके बचपने से भी क्या कहूँ, जब ये एक नवजात बच्ची ही थी तभी से। जी हाँ, मैंने आज तक जितनी भी सीरियल किलर्स की कहानी आपको सुनाई है उन सभी के सभी में बात यही कॉमन होती है कि उनका जो बचपन है यानी कि जो बीता हुआ पास्ट है वो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। किसी की कुछ दिक्कत है, सिर्फ दिक्कतों के अलावा कुछ नहीं है। और जब आप इस लड़की का पास्ट जानेंगे तो आप कहेंगे कि यार इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सच में इस लड़की का जन्म 14 दिसंबर 1994 के दिन नॉर्थ पोल अलास्का में हुआ। ये एक्चुअल में नॉर्थ पोल नहीं है, इसका जस्ट नाम ही नॉर्थ पोल है क्योंकि इसमें भी नॉर्थ पोल जितनी ही भयंकर ठंड पड़ती है। 14 दिसंबर को हुआ था जन्म, तो आपको पता ही है वहां के लोगों में क्रिसमस जो है वो बहुत तगड़ा एक त्योहार माना जाता है। तो जब ये लड़की पैदा हुई थी तो वहां जो पूरा शहर था क्रिसमस की खुशियों में रंगा हुआ था, लेकिन यहाँ ये परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि आगे चलकर आपको पता लगेगा कि ये परिवार बहुत अजीब था। खैर, मिरांडा के परिवार में उसकी माँ एलिजाबेथ और उसके पिता के अलावा उसकी एक बड़ी बहन एशले रहा करते थे। ये चारों लोग अब यहाँ रह रहे थे, लेकिन जन्म होने के सिर्फ 2 साल बाद, जी हाँ आपने सही सुना, जब मिरांडा सिर्फ 2 साल की थी तभी उसके शरीर में डॉक्टर्स ने डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया नाम की बीमारी को ढूंढ लिया। जी हाँ, ये वही बीमारी है जिसके अंदर हमारे जो कूल्हे के जो जॉइंट्स होते हैं वो बन नहीं पाते, और इसके लिए हमें कुछ सालों तक वो जो पैरों में पहनते हैं ना वो पहनना पड़ता था, जिसे लेग ब्रेसेस कहते हैं। अब ये छोटी सी बच्ची है और बच्चों को देखकर इसका भी खेलने का मन करता था, लेकिन ये खेल नहीं पाती थी। दिमाग इसका जो था वो अब गिरने लगा, खुद को अकेला महसूस करने लगी। और कुछ ही टाइम बाद रिचर्ड, जो कि एलिजाबेथ यानी कि जो मिरांडा की माँ एलिजाबेथ है उसकी ही बहन का पति था, वो भी इनके पड़ोस में आकर शिफ्ट हो गया, और उसकी जो मिरांडा की बहन थी वो भी वहीं रहने लगी। अब मतलब कि जो मिरांडा के मौसा और मौसी थे वो यहीं रहने लग गए थे, और उनकी भी एक मिरांडा जितनी ही एक लड़की थी। तो मौसा मौसी के घर तो बच्चों का आना जाना लगा ही रहता है, और मिरांडा और उसकी बहन एशले भी अपने यहाँ मौसा मौसी के घर आया जाया करती थी, लेकिन यहीं से उसकी ज़िंदगी ने पलटना शुरू किया। जी हाँ, जब भी ये दोनों लड़कियाँ यानी कि एशले और मिरांडा अपने मौसा मौसी के घर हुआ करती थी, और जब भी मिरांडा और उसकी बहन कहीं मार्केट वगैरह सामान वगैरह लेने जाया करती थी, तो उस घर में बचा हुआ रिचर्ड इन दोनों लड़कियों के ऊपर अपनी गंदी नज़र बना कर रखता था। जी हाँ, ना सिर्फ बना कर रखता था बल्कि उसने इन दोनों लड़कियों के साथ ऐसा कुछ किया। जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आप सबको वो सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी जो डिटेल्स हैं वो इतनी भयानक हैं, सच में आपकी रूह कांप जाएगी। सिर्फ 3 साल की बच्ची के साथ यानी कि मिरांडा के साथ कोई उस टाइम पर ऐसा कैसे कर सकता था, लेकिन ये सब कुछ वहाँ हुआ, और जो हुआ वो आप सब समझ भी रहे होंगे। लेकिन जब एशले 6 साल की हुई तो उसने अपनी जाकर माता को ये सब कुछ बता दिया कि उसका मौसा ऐसा ऐसा कुछ हमारे साथ करता है। एलिजाबेथ तुरंत अपने घर से बाहर निकली और पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने बिना कुछ पूछे सीधा जो रिचर्ड के घर का जो वारंट था वो निकलवाया, और वारंट लेकर घर पहुंची रिचर्ड के, रिचर्ड को उठाया सबसे पहले और उसके घर की तलाशी ली। घर की तलाशी में उन्हें एक हैंड रिटन डायरी मिली, और ये हैंड रिटन डायरी और किसी की नहीं बल्कि रिचर्ड की ही थी, और रिचर्ड ने जो उसके अंदर लिखा था वो सच में उसको फांसी टांगने के लिए भी बहुत काफ़ी था। जरूरत ही नहीं थी और किसी सबूत की। उसने उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जो मैं अगर आपको बताऊं तो सच में आप भी पागल हो जाएंगे। उसमें उसका कहना था कि मैंने तो अपने ही
लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं और ऐसा सभी को करना चाहिए, दुनिया के हर व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें उसने उसमें लिखी हुई थी। क्या ये चीजें सुनकर आपको वो बंदा किसी हैवान से कम नहीं लग रहा? मुझे तो नहीं लग रहा था, सच में ये व्यक्ति बहुत अजीब था। खैर, पुलिस ने अभी इसे पकड़ लिया था और तुरंत इसको 19 सालों के लिए जेल में डाल दिया। खैर, 19 साल की सजा पूरी होने से पहले, यानी कि जब सिर्फ इसकी 10 साल की सजा ही पूरी हुई थी, ये वापस बाहर आ गया और बाहर आने के बाद इसने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। एक जाकर छोटी टीनेज गर्ल के साथ छेड़छाड़ करी, जिसके बाद पुलिस ने इसे फिर से झप लिया। झपने के बाद इसे फिर से जेल में डाला और जेल में डालने के बाद इसे अब की बार 40 सालों की सजा सुनाई। लंबा गया अब की बार, बाहर आने का मतलब ही नहीं था। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि इन बच्चियों के साथ ही तो इस परिवार में ये सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि रिचर्ड ने भी आकर टीवी पर यह बयान दिया था कि जो मैंने इन बच्चियों के साथ किया है ये कोई मैं अब नहीं सीखा, ये मुझे मेरे विरासत में मिला है मेरे बाप दादाओं से, मेरे बाप दादाओं ने मेरे साथ ऐसा किया है तो क्यों ना मैं भी अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा करूं। इतना ही नहीं, जब एलिजाबेथ से पूछा गया कि ये सब क्या है तो उसने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरी बेटियों के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ खुद हो चुका है, मेरे पिता ने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। ये परिवार, यार क्या चल रहा है इस परिवार में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अमेरिका में क्या ये सब कुछ ही चल रहा है क्या? कैसे कैसे लोग बसे हुए हैं यार वहाँ पर। पर जो भी था अब यहाँ आपके सामने है। अब बेचारी एक माँ तो अपनी दोनों बच्चियों के साथ ऐसा रोना धोना नहीं देख सकती। वो उनको देखती कि कैसे सारा दिन अकेली पड़ी रहती हैं, रूम से बाहर ही नहीं निकलती, खाना पीना बहुत कम खाती हैं। और यहाँ मिरांडा को तो सच में बहुत अंदर से फील हो चुकी थी ये बात कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। तो उसकी माँ एलिजाबेथ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से लेकर निकल जाऊँ और कहीं और रहने लगूँ। तो अब उसे बहुत जल्दी थी ये घर छोड़ने की, क्योंकि आसपास की जो सोसाइटी थी वो इन लोगों को, इन परिवार को बहुत बुरी नज़र से देख रही थी, ऑब्वियसली देखेगी भी, क्या चल रहा है इस परिवार में। खैर, एलिजाबेथ ने तुरंत अपनी दोनों बेटियों को उठाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और अलास्का के ही एक पाल्मर शहर के अंदर अब रहने लगी। यहाँ ज़िंदगी थोड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन यहाँ मिरांडा ने अपनी डायरी लिखनी स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर वो बातें लिखती कि मुझे हमेशा बुरा फील होता है, ऐसा लगता है मैं अपवित्र हूँ, मैं गंदी हो चुकी हूँ, ऐसी ऐसी बातें वो लिखती थी। आप समझ ही सकते हैं एक छोटी बच्ची क्या ही लिख सकती है। खैर, वो डायरी भी बाद में पुलिस को मिली, लेकिन अब यहाँ से हालात और ज़्यादा बदलने वाले थे। आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस में इस दुनिया के अंदर बहुत सारे टीनेजर बच्चे आ जाते हैं, टीनेजर तो क्या कहूँ, 10 साल के भी नहीं होते बेचारे, तब भी वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में आने के बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर खुद लड़ते हैं वो और दुनिया से लड़ते हैं और ख़ुद को तैयार करते हैं, मुकाबला करते हैं दुनिया का। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, बहुत से सुने हैं, इनके ऊपर काम भी किया है, बट यहाँ उलट था। मिरांडा घर तो छोड़ रही थी, उसने सोच लिया था जब वो सिर्फ 13 साल की थी वो घर छोड़ देगी, 13 साल की उम्र में उसने घर छोड़ कर कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली वहाँ के गैंग लीडर्स के पास, लोकल गैंग्स के पास, सस्ते गुंडों के पास, जो सारा दिन माल फूक कर नशे में पड़े रहते हैं और उनका कुछ काम नहीं है। वो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे नए नए लड़कियां लड़के उनके पास आएं, उनको माल फुकवाएं, वो एक बार माल वो उनको फुकवाएंगे फ्री में, उसके बाद वो खुद पैसा लेके आएगी उनसे माल खरीदने के लिए। ये सभी की स्ट्रेटजी होती है, हमें पता ही है। तो यहीं पर ऐसे गैंग लीडर जो थे मिरांडा का इंतज़ार कर रहे थे और मिरांडा उनके पास खुद पहुँच गई कि हाँ भाई मेरा एडमिशन ले लो। स्कूल को छोड़ छोड़ कर वो दो दो तीन तीन दिन वहाँ उनके पास पड़ी रहती, नशे करके फूक कर माल सारा दिन उनके पास पड़ी रहती और जस्ट अब उसकी लाइफ बदल रही थी। क्यों बदल रही थी? क्योंकि नशे में उसको कुछ ध्यान नहीं रहता था कि उसके साथ हुआ क्या है और उसे कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है। वो अपने माँ और अपने बहन की भी अब कोई टेंशन नहीं ले रही थी। 13 साल की लड़की है, थोड़ा तो समझना चाहिए था उसे कि ये सब ना करे, लेकिन उसने फिर भी ये सब कुछ जारी रखा। वो क्या करती, स्कूल के बहाने घर से निकल जाती और सीधा अपने जो अड्डा था उनका वहाँ पहुँच जाती, वहाँ पर नशे पते फूक कर पड़ी रहती दो दो तीन तीन दिन गायब रहती। पर उसकी माँ ने भी इसकी ज़्यादा केयर नहीं करी, उसकी माँ को भी यहाँ लग रहा था कि लड़की डिप्रेस्ड है, लेकिन लड़की तो सेट थी। और यहीं पर गैंग में रहते हुए मिरांडा को एक फॉरेस्ट नाम का लड़का मिला। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि ना सिर्फ वहाँ पर नशे फूंकता था बल्कि तांत्रिक का भी काम करता था। तांत्रिक तो क्या ही कहूँ, एक बहुत ही सस्ता सा तांत्रिक था ये वहाँ पर, और गैंग में रहते हुए सभी का मनोरंजन ये किया करता था। लेकिन मिरांडा जो थी वो इससे प्रभावित हो गई और इसे लग रहा था कि ये लड़का है जो उसका सब कुछ सही कर सकता है। फॉरेस्ट उसको अब अपने तांत्रिक, अपने जो तंत्र मंत्र वहाँ फूंका करता था, अब वो पता नहीं कौन से एक सैटनिक जो था एक कल्ट की
जो वो पूजा वगैरह किया करता था, और उसने अब मिरांडा को भी कहा कि आज दोनों मिलकर पूजा करेंगे। पूजा तो क्या करना था, उसने दूसरी ही पूजा कर डाली। खैर अब यहाँ पर जब मिरांडा अपने घर आई उस रात, तो उसने अपने माँ को बताया कि माँ ऐसे ऐसे मुझे एक फॉरेस्ट नाम का लड़का मिला है और अब मैं उसकी हो चुकी हूँ, वो अब मेरा मालिक है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी उसकी तरफ देख रही है और सोच रही होगी कि कौन सा इसको बढ़िया सा शब्द बोलूं, बट नहीं, उसने नहीं बोला, क्योंकि वो खुद ये सोच रही थी कि ये लड़की अब हाथ से जा चुकी है और इसका अब कुछ नहीं हो सकता। 14 साल की होते होते मिरांडा ऐसी ऐसी दवाइयाँ खाने लगी थी जो सच में यकीन मानिए आज मिलने भी मुश्किल है, जैसे कि प्रोजैक, जो कि डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन वालों को दी जाती है, लेकिन वो वहाँ खा रही थी उस टाइम पर। और इन्हीं दवाइयों को खाते खाते उसने अपना एक बॉडी चेकअप करवाया जिसके अंदर सामने आ चुका था कि ये लड़की स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। और हमें पता है कि जो भी इंसान ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हो जाता है, उसके अंदर बहुत अजीब अजीब थॉट्स उसके माइंड में आने लगते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, बचा नहीं है उसके लिए अब कुछ ज़िंदगी में रहने के लिए। पर फिर भी यहाँ मिरांडा ये सब सोच तो रही थी और उसने कई बार स्टेप भी लिए, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हो पाई खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने की। और यहाँ पर अब एक और झटका लगने वाला था मिरांडा को। मिरांडा की माँ और उसका जो पति था, यानी कि मिरांडा का पिता, उन दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स हुआ तो ऑब्वियसली जो उसकी माँ जो थी, अब उसे भी कोई पार्टनर तो चाहिए ही था, और इस पार्टनर को ढूंढने के लिए सारा सारा दिन उसकी माँ एलिजाबेथ फेसबुक पर लगी रहती, सोशल मीडिया साइट्स पर लगी रहती ढूंढने के लिए। और यहाँ मिरांडा और उसकी बहन ऐशले जो थी, वो देखती रहती कि उनकी माँ कर क्या रही है। उनकी माँ तो सारा दिन अपने पार्टनर ढूंढ रही है टिंडर वगैरह पर। खैर ये सब कुछ चल ही रहा था कि उसकी माँ ने अपनी दोनों बेटियों को अब इग्नोर करना शुरू कर दिया। उनका कोई ध्यान वो नहीं रख रही थी, खाना पीना वो खा रही हैं, कोई मतलब नहीं है, जस्ट उसका खुद का पेट भरना चाहिए था। सोचकर देखिए यहाँ माँ ही क्या कर रही थी। अब मिरांडा ने आकर सामने से अपनी माँ से बात करी कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ एलिजाबेथ को भी नहीं पता था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसने जस्ट इसका तोड़ ही कर दिया और मिरांडा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं रखना है। ये कहते ही मिरांडा को तो छूट मिल गई हो जैसे अपनी ज़िंदगी खुद जीने की। और अब यहाँ उसने अपने और बदतर, मैं क्या ही कहूँ, और बेवड़े बेवड़े लड़कों को, लड़कियों को दोस्त बनाना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट पहले उसका मालिक बन चुका था, तो फॉरेस्ट उसे अब रातों को क्लाइंट्स के पास भेजने लगा। यहाँ एक ही तरीका था जिससे वो पैसे कमा सकती थी। रातों को वो अपने क्लाइंट्स के पास जाती, उनके साथ रात बिताती और सुबह आ जाती थोड़े बहुत पैसे लेकर, जिसमें से कुछ फॉरेस्ट खुद ले लेता और कुछ मिरांडा को दे देता। उसका भी नशे का खर्चा चल रहा था, जिसके बाद इन्होंने गैंग्स के साथ मिल मिलकर लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जे वगैरह करने शुरू कर दिए। बाद में इनको सही तोड़ा पुलिस ने, फिर वो बात अलग है, बट एक बार तो इन्होंने काम स्टार्ट कर ही दिया था, पूरी फील ले गए थे ये भी। और जैसे ही वो एक दिन नाइट से वापस आई अपने फॉरेस्ट दोस्त के पास, तो उसे पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है, यानी कि मिरांडा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा भी था। तो सीधा फॉरेस्ट ने कहा कि क्यों ना इसका अबॉर्शन करवा देते हैं। तो मिरांडा ने भी कहा ओके करवा देते हैं, लेकिन ये जो अबॉर्शन जो किया गया था वो कोई क्लिनिक में नहीं किया गया था, वो एक गली में किया गया था। जस्ट गली में लेटा कर, अंधेरी सी गली थी, सुनसान सी, उसके अंदर लेटा कर वहाँ अबॉर्शन वगैरह किया गया था, लेकिन वो अबॉर्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मुझे नहीं पता क्यों। पर उन्हें लग रहा था कि अबॉर्शन हो चुका है और मिरांडा अभी तक प्रेग्नेंट थी। अभी भी मिरांडा कई बार अपने माँ से मिलने के लिए घर आ जाया करती थी, पर उसकी माँ को पता चल चुका था कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, और उसकी माँ ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसकी माँ ने मिरांडा को उसके हाल के ऊपर छोड़ा हुआ था। खैर अंत में उसकी माँ ने ये बोल दिया कि तुम नॉर्थ कैरोलिना चली जाओ, वहाँ रहने लगो, वहाँ मेरे रिश्तेदार कुछ हैं, वो तुम्हें रहने के लिए जगह दे देंगे। तो मिरांडा ने कहा ओके मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो अकेली उसको वहाँ भेज दिया गया नॉर्थ कैरोलिना मिरांडा को, जब वो सिर्फ 17 साल की थी। वहाँ पहुँचते ही उसकी मुलाकात हुई एक एलियट नाम के बंदे से, और यकीन मानिए ये एलियट नाम का बंदा दिखने में जितना मासूम है ना, और उतना ही बड़ा ये मूर्ख भी है। इसने आगे जो जो किया वो मिरांडा के लिए दिक्कत ही बनता गया। समझिए अब इसकी कहानी क्या थी। और ये दोनों मिल चुके थे, ये दोनों दोस्त बन चुके थे, और यकीन मानिए ये दोनों का मिलना मतलब कि आग और तेल का, क्योंकि नशे वो फूकती थी, नशे ये फूकता था, माल इसको चाहिए था, माल उसको चाहिए था, तो उसके लिए क्या करेंगे, पैसे इनके पास है नहीं, तो इसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया मर्डर वगैरह करने का काम। सोचकर देखिए किसी का मर्डर करने के बाद उससे लूटे गए पैसों से ये लोग खाना खाते थे और माल वगैरह फूकते थे, क्या बड़ी बात है, बहुत घिनौना काम
ये दोनों मिलकर अब करने वाले थे। मिरांडा जब नॉर्थ कैरोलिना पहुंची थी तो वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो एलियट से मिली तो एलियट ने उसे बताया कि तुम मेरे साथ रह लो यहाँ पर मेरे घर में, मेरे घर में एक और लड़की रहती है जो कि मेरी ही पार्टनर है, एमी नाम की लड़की है और वो भी प्रेग्नेंट है तुम्हारी तरह। तो अब ये दोनों लड़कियाँ यहाँ रहने लगी एलियट के साथ, और एमी और मिरांडा दोनों सेम टाइम की प्रेग्नेंट थी, दोनों ने बेटियों को जन्म दिया। अब जो दोनों माएँ थी वो बहुत प्यार करती थी अपनी अपनी बेटियों से। अब यहाँ दोनों बच्चियाँ इस घर में बड़ी हो रही थी, तो हमारा प्यारा एलियट क्या कर रहा था, उसको पूरा दिन माल फूकने के अलावा कोई काम ही नहीं था। जी हाँ, सुबह उठता, गांजे की बीड़ी फूकता और शाम होते होते वीड वगैरह, पता नहीं किस किस टाइप के नशे यार वो फूक कर सो जाता था। लेकिन अब उसकी ये जो आदतें थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते अब वो महंगे महंगे नशों पर आ चुका था। जी हाँ, सस्ता माल उसने बंद कर दिया, अब उसको महंगा माल चाहिए था, लेकिन इस महंगे माल को लेने के लिए जेब भारी होना भी ज़रूरी है। वो किसी की चोरी चकारी कर लाता, उसे माल ले लेता और पी जाता। यहाँ उसके दिमाग में भी स्किट्जोफ्रेनिया हो चुका था, और यहाँ जो हमारी मिरांडा थी उसको भी स्किट्जोफ्रेनिया पहले से ही था। दोनों मिल गए और दोनों का कम्बिनेशन जो था वो बहुत आग की तरह था, लगाने वाले थे अब ये आग। पर ये बहुत वायलेंट भी होता जा रहा था एलियट जो था एमी के ऊपर। एमी ने कुछ टाइम तक सहा लेकिन उसे टॉलरेट नहीं हुआ, उसने कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। वो निकल ली, वो समझदार थी, अगर नहीं निकलती तो आगे उसका भी बहुत बुरा हाल होता। खैर, अब यहाँ इस घर के अंदर एलियट और मिरांडा ही बचे हुए थे, और अब इनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे कुछ, तो अब क्या करें। जी हाँ, जॉब मर्डर, तो यहाँ मर्डर करना भी कोई आसान थोड़ी ना था, बंदे भी चाहिए थे और खुद को बचाने के लिए भी तरकीब चाहिए थी। सीरियल किलर बनना कोई ऐसे ही हलवा थोड़ी ना है। तो यहाँ उन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया मिरांडा ने, उसने कहा कि क्यों ना मैं अपने पुराने काम को ही यहाँ पर वापस लेकर आई। और इस काम को अमेरिका में नाइट कंपेनियनशिप कहा जाता है। जी हाँ, और ये काम वहाँ पर लीगल है, और रात के टाइम जो लड़कियाँ जिनको जाना होता है इस तरह से, वो अपनी जो लिस्ट है वो एक क्रेगलिस्ट नाम की साइट के ऊपर अपलोड कर देती हैं, अपनी ऐड वगैरह डाल देती हैं कि हाँ मैं आज रात को अवेलेबल हूँ और किसी को मेरा साथ चाहिए हो तो मुझे बताना। तो यहाँ पर मिरांडा ने भी अपनी ऐड डाली, और वो ऐड बदकिस्मती से 42 साल के ट्रोए ला फेरारा नाम के इस बंदे ने देख ली, और उसने उस ऐड का रिप्लाई किया कि हाँ आज रात को मुझे तुम्हारा साथ चाहिए है। बस मिरांडा यहाँ तैयार थी। ट्रोय उस टाइम पर एक इंजीनियर की जॉब कर रहा था, और 40 साल की उम्र में उसका विवाह जो हुआ था कॉलिन नाम की एक लड़की के साथ। लेकिन कॉलिन ने बताया कि वो सिर्फ उसे छोड़कर बाकी सभी लड़कियों के साथ संबंध बनाना चाहता था। पता नहीं क्यों जिससे शादी करी उसके साथ वो कभी खुश नहीं रहा, पर लेकिन उसे हमेशा बाहर खुशियाँ दिखाई दे रही थी। 11 नवंबर 2013 का दिन आया, और वो दिन था जब ट्रोय ने मिरांडा से मिलने का ठाना, और उसने कहा कि ठीक है आज रात को हम मिलेंगे। मिरांडा ने कहा कि ठीक है मैं अपनी गाड़ी लेकर आ जाऊंगी, आप आ जाना मिलने के लिए। ट्रोय ने कहा ओके। लेकिन यहाँ ट्रोय के जो मन में चल रहा था कि रात को बढ़िया मज़ा आएगा, सब कुछ नशा वशा करेंगे और पूरी रात पार्टी करेंगे, लेकिन मिरांडा और एलियट के कुछ और ही प्लान्स थे। जैसे ही रात हुई मिरांडा अपनी गाड़ी लेकर एक मॉल की पार्किंग में पहुंची, और ट्रोय को वहां कॉल किया कि वो इस पार्किंग में खड़ी है तुम वहीं आ जाना। लेकिन यहां मिरांडा ने ट्रोय को ये नहीं बताया कि उसकी गाड़ी में एक और बंदा पीछे बाउजी बनकर बैठा हुआ है कंबल ओढ़कर, और वो था एलियट। जी हाँ, जैसे ही ट्रोय आया गाड़ी के अंदर बैठा, और उसने हैंडशेक वगैरह किया मिरांडा से और पूछने लगा कि उसके हालचाल कैसे हैं। जस्ट वो वहाँ से बाहर निकले अपनी गाड़ी लेकर, पार्किंग से बाहर निकलते ही रोड पर जैसे ही गाड़ी चढ़ाई, तो यहाँ मिरांडा और एलियट ने एक कोडवर्ड तैयार किया हुआ था, और कोडवर्ड थी जिसमें मिरांडा बोलती है कि आज कितने सारे सितारे आसमान में मौजूद हैं। ये कोड लाइन थी जिसे सुनते ही एलियट को हमला करना था विक्टिम के ऊपर, और यहाँ ये लाइन उसने सुनी लेकिन हमला नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, शायद उसको नींद वगैरह आ गई होगी बाऊजी को, क्योंकि सेट तो वो पहले ही था। पर जैसे ही मिरांडा ने ये कोड लाइन कही और देखा कि एलियट ने अभी तक हमला नहीं किया है ट्रोय के ऊपर, तो उसने अपना हाथ पीछे की तरफ ऐसे मारा और उसको जगाया नींद से, और कहा कि आज बहुत सारे सितारे आसमान में मौजूद हैं। ये बात सुनते ही उसने अपनी जो तार साइड में रखी हुई थी तार निकाली, और जस्ट ट्रोय का यहाँ गला जो था वो तार से दबा दिया। ट्रोय भी बेचारा ये देख रहा है कि दोनों की मीठी मीठी बातों के बीच में ये महानुभाव कौन आ चुका है जो मेरा गला दबा रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा लेकिन वो देख नहीं पाया कि पीछे असल में था कौन। तो यहाँ एलियट ही था जो उसका गला दबाए रहा था।
अब यहाँ स्टार्ट होता है मिरांडा का खूनी खेल। लेकिन इसी बीच ट्रॉय जो था वो अपने साइड वाली खिड़की के लॉक को खोलने में कामयाब रहा, और लॉक खोलने के बाद उसने अपनी दोनों टांगे जो थी वो बाहर की तरफ लटका दी गाड़ी से। ये देखकर मिरांडा बहुत पैनिक कर गई कि कहीं ये बाहर गिर गया या फिर किसी ने देख लिया इसको गिरते हुए, और ये जिंदा बच गया तो ऑब्वियसली हम पकड़े जाएंगे। वैसे तो इस काम में वो परफेक्ट थे क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मिरांडा करती आ रही थी, पर उसे लग रहा था कि आज दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ उसने सिर्फ इलियट के ऊपर विश्वास नहीं किया, यहाँ उसने मैटर अपने हाथ में लिया। उसने गाड़ी साइड में लगाई, जस्ट साइड में लगाई, और इलियट से कहा कि ये तार तो मुझे दे दे, मैं पकड़ लेती हूँ, और तू उतर कर सबसे पहले गाड़ी का लॉक जो है वो बंद कर, गाड़ी का गेट बंद कर, और मैं इसको अंदर से लॉक करती हूँ। इलियट भी उतरा नीचे और उसने जस्ट उसके पैरों को अंदर की तरफ धकाया और गेट बंद कर दिया, और वहाँ ड्राइवर साइड से मिरांडा ने वो जो गेट लॉक वाला बटन था वो दबा दिया। अब वो गेट भी नहीं खुल सकता था, जिसके बाद ट्रॉय ने उम्मीद ही छोड़ दी कि वो बच पाएगा। लेकिन फिर भी उसने इन दोनों के साथ लड़ाई करने की कोशिश करी और दोनों को थप्पड़ वगैरह भी मारे, पर फायदा नहीं था क्योंकि मिरांडा अपने साथ 3 चाकू लेकर बैठी थी। उनमें से उसने एक निकाला और उसके गले के ऊपर वार 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 करने स्टार्ट कर दिए। इतने वार किए गए कि पूरा जो गाड़ी थी उसके अंदर खून खून हो चुका था और अब बेसुध होकर ट्रॉय भी गिर चुका था। जैसे ही उन्हें लगा कि ट्रॉय मर चुका है तो सोचा कि अब इसे डंप करते हैं। लेकिन डंप करने से पहले ये सब किया क्यों था? सिर्फ इसलिए ताकि वो ट्रॉय के पर्स में मौजूद पैसे वगैरह निकाल सकें? ऑब्वियसली यस। तो उन्होंने उसका पर्स निकाला जिसके अंदर सिर्फ $150 मौजूद थे। $150 यानी कि आज के टाइम पर तकरीबन कितने होंगे, 10-10.5-11 हज़ार रुपये। बस सोचकर देखिए, यहाँ इन दो राक्षसों ने 10-11 हज़ार रुपये के लिए एक इंजीनियर का मर्डर कर दिया था, और अब उसकी बॉडी को डंप किया गया खेतों के बीच में बहने वाले नाले के अंदर। उसकी बॉडी को डंप किया गया और जस्ट वो वहाँ पर उसकी बॉडी फेंक कर चले गए। सुबह होते होते लोगों ने ट्रॉय की लाश को देखा और पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाते ही तुरंत पुलिस ने उसकी जांच करी, और सबसे जो उसकी लास्ट कॉल थी, उसके फ़ोन की लास्ट कॉल जो थी वो सीधा मिरांडा के पास थी। तो पुलिस मिरांडा के पास पहुंची। यहीं पर तो खेल अब मज़ा आएगा इस खेल में देखना कि कैसे कैसे ये कहानी को घुमाएंगे, और बाद में जो इलियट हमारा जो मूर्ख है वो एंड में क्या करेगा, सोच कर देखना। अब आप मज़ा आएगा सुनने में आपको। यहाँ मिरांडा को पता था कि अगले ही दिन पुलिस उसके पास जरूर आएगी, इसलिए उसने पहले ही अपनी एक कहानी जो थी वो तैयार करके रखी हुई थी। तो यहाँ उसने कहानी पुलिस के सामने शुरू कर दी। पुलिस उसे पहले उठाकर स्टेशन लेकर आई और वहाँ उसे पूछताछ की गई, जिसमें उसने कहा कि हाँ ऑब्वियसली मेरी उससे रात को बात हुई थी। एक्चुअली मैं काम करती हूँ नाइट सर्विसेज का, और जैसे ही मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस बंदे की कि मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं वेट कर रही थी इसका कि ये मुझे कॉल करेगा, तो इसने कॉल नहीं किया तो मैंने इसको पलट में कॉल किया, और ये बोल कर गया था कि मैं 10-15 मिनट में उस मॉल की पार्किंग में आने वाला हूँ, पर ये नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आया, तो मैं इसका वेट कर करके थक गई, ये नहीं आया, तो मैं वहाँ से चली गई अपने घर वापस, और सुबह आप बता रहे हैं कि इसका मर्डर हो गया। मुझे नहीं पता इसका मर्डर कैसे हुआ, मुझे घर जाने दो, मेरी छोटी सी बच्ची है वो मेरा वेट कर रही होगी। तो पुलिस को भी लगा कि ठीक है, ये जो बता रही है वो भी सही होगा, क्योंकि एक लड़की तो इतने बड़े हट्टे कट्टे आदमी का मर्डर कर नहीं सकती, तो उसको घर जाने दिया। जिसके बाद पुलिस को पता चला कि यहाँ मिरांडा जो थी उस टाइम पर सिर्फ ट्रॉय से नहीं बल्कि एक इलियट नाम के व्यक्ति के साथ भी फ़ोन में संपर्क में थी। तो यहाँ इलियट को उठाया गया। अब यहाँ सबसे पहले उससे पूछा गया कि तुम मिरांडा को कैसे जानते हो, तो उसने सब कुछ सही सही सच 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 बताने लग गया सब कुछ, कि मैं ऐसे ऐसे जानता हूँ, वो मेरे पास आई थी, वो पहले नॉर्थ पोल में रहा करती थी, फिर मेरे पास आई रहने के लिए, वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, और मेरे साथ एक लड़की और रहा करती थी एमी। सब कुछ उसने पुलिस को सच सच बताया। यहाँ उसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि क्या मिरांडा ट्रॉय से उस टाइम पर मिली थी। पहले मना कर गया बाबूजी, क्यों? क्योंकि मिरांडा ने उसे कहा था कि हमें यही बोलना है कि मैं ट्रॉय से नहीं मिली हूँ। लेकिन बाद में पता नहीं कौन से नशे में पुलिस के साथ बात कर रहा था, बाद में कहने लगा कि हाँ जी मिरांडा तो शायद मिली थी, मुझे लग रहा है कि मिली थी। खैर इलियट से इतने ही सवाल करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन से निकाल दिया गया, कहा कि जा तू आज़ाद है। अब दोनों यहाँ घर जा चुके थे, मिरांडा और इलियट, और उनको लग रहा था कि पुलिस अब उनको दोबारा क्यों उठाएगी, एक बार पूछ तो लिया जो पूछना था, पर वो गलत थे। पुलिस ने उनको जान करके छोड़ा था क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे रात रात को उनको पुलिस स्टेशन के अंदर बैठाने के लिए। पूरी रात लगाकर पुलिस वालों ने एंगल्स बनाए कि क्या क्या यहाँ हो सकता है, और सुबह होते होते सिर्फ 7 घंटों बाद ही दोनों को पुलिस द्वारा फिर से झप लिया गया। झपते ही दोबारा वापस उसी जगह पर लाकर बैठाया गया, और अब की बार इस 7 घंटों में उन्होंने सिर्फ खुशियां मनाई थी मिरांडा और इलियट ने कि वो इस केस में बच गए हैं, और
अब पुलिस उनका क्या ही कर लेगी। लेकिन ये भूल गए वो कि पुलिस उनको दोबारा भी उठा सकती है, और दोबारा उठाते ही तो उन्होंने कोई अपनी जो साजिश थी वो तैयार की ही नहीं थी। सबसे पहले यहाँ मिरांडा को उठाया गया था। मिरांडा को उठाते ही वहाँ पर लेकर आया गया और कहा गया कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, और सीसीटीवी फुटेज में हमने देख पा रहे हैं कि तुम तो ट्रॉय से मिली हो। तो अब यहाँ पर उसने सब कुछ कबूलनामा शुरू कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे मैं ट्रॉय से मिली थी, बट मैंने उसको कुछ कहा नहीं, वो पैसे देने से मना कर रहा था। अब ऑब्वियसली मैं काम पैसों के लिए करती हूँ, तो अब मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे तो मैं क्यों जाऊँगी उसके साथ। मैंने जस्ट उसको अपनी गाड़ी से उतारा और मैं वहाँ से चली गई। पुलिस ने थोड़ा और दबाव बनाया, जिसके बाद उसने कहा कि वो थोड़ा सा उसके साथ हैंग आउट वगैरह करने निकल गई थी, बट उसने पैसे नहीं दिए तो मैंने उसको उतार दिया। थोड़ा और दबाव बनाया उसके साथ, तो उसने यहाँ पर कबूल किया कि हाँ उसकी ट्रॉय के साथ लड़ाई हुई थी गाड़ी में और उसने उसका मर्डर नहीं किया। यहाँ पर रोक दिया पुलिस ने मिरांडा को कि ठीक है तुम चुप रहो, अब हम एक और बढ़िया चीज़ तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। दोनों को एक साथ नहीं उठाया गया था, मिरांडा और इलियट को। इलियट अभी भी घर पर ही मौजूद था, तो पुलिस सीधा स्टेशन से निकल कर इलियट के घर पहुँची, जहाँ पर इलियट खिड़की पर खड़े होकर आराम से सुट्टा फूंक रहा था। सुट्टा भूखते भूखते जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो उसने जो सुट्टा था वो नीचे ज़मीन पर गिराया और पुलिस वालों को कहा कि मुझे पता था ये जो सुट्टा है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सुट्टा है, अब शायद मुझे जेल के अंदर सुट्टा ना मिले। पुलिस वाले भी सोचने लग गए कि ये तो हमारा काम आसान कर रहा है, हमने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, हम तो शक के भाव पर इसको उठाने आए हैं और ये तो अभी से कबूलने लगा, उठाओ इसे। उठाया, वहाँ पर उठाते ही इसने तो बीच में ही तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ ये सब कुछ हमने ही किया है, अब चलिए हम आपको सब कुछ बताते हैं। मिरांडा अपने इस किए कराए के ऊपर वहाँ पुलिस स्टेशन में लीपापोती कर रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि उसका पार्टनर, मूरख पार्टनर, सब कुछ बके जा रहा था ये हुआ है। तो वहाँ पुलिस को जाकर उसने बताया कि एक्चुअल में ट्रॉय जिस दिन मरा उस दिन मेरा बर्थडे था, और हमें बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा माल और थोड़े पैसे वगैरह चाहिए थे ताकि हम अच्छा खाना खा सकें। तो अच्छे पैसे और खाना कहाँ से मिलेगा, किसी का मर्डर करके ही तो मिलेगा, मेहनत करके थोड़ी ना कोई पैसा कमा सकता है, ऐसा इलियट और मिरांडा का मानना था। यहाँ पैसा कमाने के लिए उन्होंने ऐड डाली, और ऐड डालते ही उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो जो भी बंदे से मिलेंगे उसको लूटेंगे और उसका मर्डर कर देंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बेचारा ट्रॉय जो था वो इस जाल में फंस गया, और सब कुछ जो था इलियट ने पुलिस के सामने रख दिया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, सीसीटीवी फुटेज भी बताई, सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हमने उसको मारने के बाद कि हमने हमारी गाड़ी को वॉश करवाया, उसके अंदर $20 लग गए, उसके बाद हम खाना वाना खाने गए उसको मारने के, सोच कर देखिए उसको मारने के बाद ये दोनों डिनर करने जा रहे थे। कोई कैसे ये काम कर सकता है कि किसी का मर्डर करने के बाद आराम से होटल में बैठ कर खाना वाना खाए और घर जाकर माल फूक कर सो जाए, कमाल है। लेकिन यहाँ इलियट ने पुलिस के सामने ऐसा कुछ बोला जो पुलिस के कान खड़े कर गया। जी हाँ, उसने कहा कि मेरे साथ तो मिरांडा का ये पहला कत्ल है, क्या आपको वो ऐसी लग रही है कि उसने पहली बार किया है? बिल्कुल नहीं, जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती है वो ऐसा ही करती आई है, आज वो मेरे साथ 40 दिन से लगभग रह रही है और मेरे साथ उसका ये पहला काम है, लेकिन वो पहले भी करती आई है। पुलिस बोले कि क्या बकवास कर रहा है। उसने कहा कि जाओ आप मिरांडा से ही पूछो। मिरांडा को पुलिस ने सख्ती से लिया और पूछा कि तुम्हारे पास्ट के बारे में बताओ। तो यहाँ मिरांडा पहले ही टूटी हुई थी। मिरांडा सब कुछ बोलने लगी कि उसने पूरे अमेरिका में घूम घूम कर कैसे तकरीबन 22 से भी ज़्यादा लोगों को मारा है, उनका मर्डर किया है एज ए सीरियल किलर। जी हाँ, टोटल 22 से भी ज़्यादा। मैं यहाँ 22 से ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अपने ही बयान में मिरांडा द्वारा ये कहा गया था कि जब उसने टोटल 22 लोगों का मर्डर कर लिया, उसके बाद उसने अपने कांडों को गिनना भी छोड़ दिया कि उसने आखिर कितने लोगों को मारा है, आगे पता ही नहीं कितने लोगों का उसने मर्डर किया। पर यहाँ उसकी बातों को कन्फर्म करने के लिए पुलिस ने जाँच भी करी कि क्या ये सही बोल रही है। तो वहाँ पुलिस ने 5-6 लोगों के नाम पूछे और उसने बताए, और पुलिस ने उन जगहों पर जाकर छापेमारी करी, और सच में वहाँ पर उन लोगों को मारा गया था, लेकिन उनकी कभी पहचान नहीं हो पाई थी कि आखिर ये है कौन और किसने इनको मारा है। तो यहाँ मिरांडा को उनके लिए दोषी मारा गया, पर 22 के 22 की पहचान नहीं हो पाई, और इसके अलावा भी जो मारे थे उनकी भी पहचान नहीं हो पाई, और ये साबित नहीं हो पाया कि इतने सारे कत्ल इस लड़की ने किए हैं। बट जो इसने बोला था वो सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। मिरांडा से जब पूछा गया कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, तो उसने कहा कि एक तो उसे पैसों की भूख थी, दूसरा जो फॉरेस्ट था वो लड़का जो इस मिरांडा का मालिक बन चुका था, उसने कहा था कि जब तुम ऐसे ऐसे किसी की बलियां दोगी तो तुम मिरांडा से सुपर मिरांडा बन जाओगी।
सही में सुपर मिरांडा बनी और सीधा जेल में पहुंच गई। इन दोनों को ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें गैर जमानती उम्र कैद की सजा सुना दी। मतलब कि ये जमानत पर भी बाहर नहीं आ सकते, ना ही इनको कोई पैरोल वगैरह मिल सकती। जिंदगी की अंतिम सांस तक ये जेल में ही रहेंगे और वहीं सड़कर मर जाएंगे। आज भी ये दोनों जेल में बंद हैं और सोचकर देखिए आखिर इन्होंने किया क्या था सिर्फ पैसों के लिए, 22 से ज़्यादा। सोचकर भी हैरानी होती है। और इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ फोटोज़ हैं मेरे पास जिन्हें मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, इंस्टा की स्टोरी पर रात को 9 बजे के बाद लग जाएंगे, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं वहाँ पर, तो भी आप मुझे पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं, मैं हो सके तो सभी का रिप्लाई करूँगा। आज नहीं तो कल कर दूंगा, थोड़ा लेट करूंगा, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आरजू जैन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।